ऐसा पर्व है जहाँ पर सब लोग अपने पूर्व विचारों को त्याग करके भी है बात करके मिलते जुलते हैं और मिलजुल करके नए ढंग से चलने की बात करते हैं। इस मायने में कल भी हमको हज भवन में बुलाया गया, टेलीफोन किया गया था, हम चले गए थे और वहीं जाने के बाद नीतीश कुमार वहां थे, उनसे हमने कहा कि इधर देख के बोलिए यार, भेजा हम आ गए हमारे यहाँ भी गरीब के यहाँ आकर के आप एक ग्लास पानी पी लेते तो बड़ी अच्छा है। उन्होंने स्वीकार किया कि हम आवेंगे, तो कहने का मतलब है पर्व में एक दूसरे के घर आने जाने का एक सिलसिला लगा रहता है, पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो अभी बिहार के राजनीति तो संभावनाओं का खेल है ही है, इसको कहीं नहीं कोई नहीं नकार सकता है। और रही बात आज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, जबकि लोकसभा में प्रचंड बहुमत लेकर के भाजपा सामने आई है, तो उनका जो प्रचंड बहुमत है हम लोग मानते हैं कि यहाँ की जनता को भ्रम में डाल करके, चाहे राष्ट्रीयता का मामला हो, चाहे धार्मिकता का मामला हो, चाहे सेना का मामला हो, इसको करके आज वो आ गए हैं। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान पर आज भारत के सामने, हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा खतरा यही है कि कहीं सांप्रदायिकता के आग में हम लोगों को झुलस नहीं दिया जाए। इसीलिए लार्जर इंटरेस्ट में हम लोग जो महागठबंधन के लोग हैं, एकदम चाहे जो भी हो, सड़क से लेकर के संसद तक लड़ने का हम लोगों ने ये किया है। चुनाव आयोग ने भी इस बात को नकारा है जिसकी आशंका हम लोग करते हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इस प्रकार की दलील दी है जिससे हम लोग आहत हैं। अब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि आखिर ईवीएम से चुनाव कब तक होगा, और जब तक ईवीएम से चुनाव होते रहेगा जो गत लोकसभा में स्थिति हुई वही होगी, और जहां से ईवीएम ईजाद हुआ था वहां के लोग ईवीएम का प्रयोग नहीं करते हैं। संसार के अनेकों देश जहां पहले होता था सब लोग उसको नेग्लेक्ट कर दिए, तो हिंदुस्तान में जब हम लोग कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो इस चीज़ को अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग निश्चित रूप में 21 विरोधी पार्टियां चुनाव आयोग से मिला था और उसके बाद कोर्ट में भी जाने का काम किया था। अब इन लोगों ने हम लोग की बात नहीं मानी है तो हम लोग यही सोचेंगे कि अब इसको जन आंदोलन का रूप देंगे, और जन आंदोलन के साथ साथ यहाँ तक भी हो सकता है कि यदि ईवीएम से वो चुनाव करेंगे तो हम ईवीएम से चुनाव में चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं कि ऐसे भी जीत जाना है वैसे जीत जाओ, चुनाव में हम लोगों को क्या उचित है। मांझी साहब, इस पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली नहीं नीतीश कुमार को, वो भी बहुत आहत है, अगर वो महागठबंधन में आना चाहे तो स्वागत रहेगा। देखिए, जगह उनको मिली न मिली ये उनका आंतरिक मामला है, और जहाँ तक गठबंधन में आने जाने का मामला है वहाँ पर जीतन मांझी अकेले गठबंधन में नहीं है। अब बहुत सी बातें ऐसी होती है कि व्यक्तिगत पार्टी पर कुछ निर्णय ले लेते हैं लोग, तो वो निर्णय उनका अपना और व्यक्तिगत पार्टी की होती है। हम अपने तय क्या कर सकते हैं, जब महागठबंधन की बात है तो हम लोग 6-7 पार्टियाँ हैं, उसके बाद महागठबंधन की बैठक होगी और बैठक में हम लोग तय करेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ कित हद तक सहयोग दे सकते हैं वो भाजपा को देश से एरिडिकेट करने। बीजेपी को नेता दिया था आपने? नहीं, हमने नहीं दिया था, हमने नहीं दिया महागठबंधन, हमको नहीं दिए थे तो हमने उनको भी नहीं दिया। महागठबंधन अपनी बैठक में इस बात को रखेगी कि उनको शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बैठक में मुद्दा कम से कम है। सवाल है कि हम कहने वाले अकेले कौन है, महागठबंधन में बहुत से मुद्दे आते हैं, आपके माध्यम से तो नहीं कहा जा सकता है, जी समय होगा बताया जाएगा। जितेंद्र मान जी की व्यक्तिगत इच्छा क्या है, वहाँ की नहीं व्यक्तिगत इच्छा यही है हमारी कि किसी भी परिस्थिति में हमारा देश को बचना चाहिए, जो इसका संघात्मक ढांचा है, अनेक प्रकार के लोग यहाँ हैं, भाषा बोलते हैं, वेशभूषा रखते हैं, खान पान होता है, पहनावा होता है, और यही अनेकता में एकता हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुण है। इस ढांचा को अगर कोई तोड़ना चाहेगा तो निश्चित रूप में हम लोग कहीं भी किसी से समझौता कर सकते हैं।